मौसम लगातार गर्म हो रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग लगातार देश के अलग अलग इलाकों में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। फिलहाल जो अलर्ट जारी किया गया है वो चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के मौसम को लेकर है। तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम विभाग ने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि लोग दिन के समय बाहर ना निकलें, सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें, खुद को ढक कर रखें, पानी पीते रहें, कोई भी परेशानी हो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ये काम हर साल मौसम विभाग करता है, लेकिन इसके बावजूद लोग हीट वेव की चपेट में आ ही जाते हैं। बढ़ती हुई गर्मी को लेकर क्या है असली वजह? भारत में गर्मी के असल में 3 महीने हैं, अप्रैल, मई और जून। इस मौसम में भारत के ज्यादातर हिस्सों में भयानक गर्मी होती है। इसके बाद मानसून का सीजन आता है जब तापमान गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन पिछले एक दशक से गर्मी बढ़ती जा रही है। इसके साथ शुरू होता है पानी की किल्लत का सिलसिला। वह इस गर्मी का एक और बड़ा कारण है अलनीनो। अलनीनो आखिर है क्या? अलनीनो और ला नीनो दो फेजेस हैं जो पूर्वी प्रशांत महासागर की समुद्री सतह के तापमान में होने वाले बदलाव को दर्शाते हैं। ये मौसमी घटना दक्षिणी अमेरिकी तट पर होती है, जिसमें समुद्र का पानी अचानक से ठंडा या गर्म हो जाता है। इसका असर पूरी दुनिया के तापमान पर पड़ता है। तो भारत ही नहीं, दुनिया भर में गर्मी बढ़ रही है। देश भर में लू की स्थिति के पूर्वानुमान के बाद पूरे पाकिस्तान में लोगों को बढ़ते तापमान का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह मेक्सिको में भी राष्ट्रव्यापी सूखे और गर्मी के कारण हाल के दिनों में दक्षिण पूर्व जंगलों में खतरनाक हाउलर बंदर पेड़ों से मरे हुए गिर रहे हैं। टबास्को राज्य में जहां इस सप्ताह तापमान 45 डिग्री से अधिक होने का अनुमान है, स्थानीय मीडिया ने 85 मौतों की सूचना दी है।